आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आपके लिए है कुछ स्पेशल। अब स्पेशल है वो तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये स्टोरी। एशिया कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप में दूसरी बार हरा दिया। भारतीय फैंस के लिए बाकी मैच एक तरफ और पाकिस्तान का मैच एक तरफ रहता है। भारत अगर पाकिस्तान से जीत जाए तो जश्न डबल हो जाता है। ऐसा ही हुआ कल के मुकाबले में, जब टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया तो भारतीय फैंस वंदे मातरम गाने लगे। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जीत के बाद भारतीय फैंस तिरंगा लहरा रहे हैं और वंदे मातरम गाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। AR रहमान के गाने को गाते दिख रहे वही टीम इंडिया पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाती दिख रही है। सुपर फोर के मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 237 रन बनाए थे और भारत ने 39.3 ओवर में 1 विकेट पर 238 रन बनाकर जीत दर्ज की। भारत की तरफ से रोहित और मैन ऑफ द मैच शिखर धवन को पहले विकेट के लिए 210 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की गई। एशिया कप में और पाकिस्तान के खिलाफ पहले विकेट के लिए भारत की सर्वोच्च साझेदारी है। वहीं रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले विकेट के लिए ही भारत की ये सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने 2009 में हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले विकेट के लिए 201 रन की अविजित साझेदारी की थी। जानती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी बेहद पसंद आई, और नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हमसे जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।